हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यदि आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा पास की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग PSC में फायर ऑपरेटर के लगभग 1452 पदों पर रिक्तियाँ घोषित की गई हैं और इन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। और इसके लिए दोस्तों अप्लाई करने से पहले मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग में फायर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, इन वैकेंसीज में आपको अप्लाई करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए और शारीरिक दक्षता का इनका एक पूरा मापदंड है जो आपको पूरा करना है। इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको उम्र सीमा जो बताता हूँ वो है लगभग 27 साल, इसमें अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है। और इसमें जो आवेदन शुल्क है वो जनरल श्रेणी के लिए 110 रुपये है और श्रेणी वाइज SC ST और दिव्यांग के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं रखा है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो चयन प्रक्रिया का जो माध्यम है वो पहले एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे, लिखित परीक्षा के बाद एक शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा और इंटरव्यू में उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जो लोग इन परीक्षाओं में उत्तम प्रदर्शन करते हैं। और इसके बाद में एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट बनेगी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। आप इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप पूरा नोटिफिकेशन, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है इस पर पूरा नोटिफिकेशन फायर ऑपरेटर के लिए जो है उसको आप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में अपनी योग्यता से आपको उसका मिलान करना है। मिलान करने के बाद में जब आप सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। उससे पहले दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किस तरह के रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपको सिग्नेचर अपलोड, आपको कितने KB की फाइल में आपको अपलोड करने हैं, वो सब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के जो नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा। पूरे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िएगा और दोस्तों उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद भी यदि आपका कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ सरकारी नौकरी के और वीडियो साथ। इससे पहले भी मैंने असम लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वीडियो डाले हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो बनाने वाला हूँ मैं जिला स्वास्थ्य समिति में जो हेल्थ सेक्टर में जो वैकेंसीज निकली हुई है उसके बारे में। तो इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।